हांडी स्पेशल खीर है ये, इसमें भी प्याज निचोड़ा है, इसमें भी प्याज निचोड़ा है, इसमें कटोरी से डाला है। इसमें ना आपने में जितना मिक्स करके? जितना आपने दूध डाला है उतना उसका हाफ प्यार है। ओह, क्योंकि और ये प्यार आप निचोड़ते आंखों से हो ना? नहीं नहीं, मतलब दिल से। अच्छा, आंखों से मैं कैसे प्यार निचोड़ूंगी। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे होंगे 6 o'clock के अराउंड, और हम लोग गाड़ी में आज आप लोगों को डायरेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिवाली मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए जा रहे हैं वो तो आपको ये व्लॉग चेक करना होगा, जब आप ये व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल तो प्रशांत जा रहे हैं हल्दीराम, हल्दीराम पास में ही है, तो वहाँ से थोड़ा सा गिफ्ट हैम्पर वगैरह लेंगे, और इसी के साथ मैंने गिफ्ट भी रख लिया है उनको देने के लिए। आप लोगों को अमेज़ॉन हॉल में बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाए थे ना मैंने, उनमें से ये एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मैंने उनके लिए भी रखा हुआ है। तो प्रशांत, आप लेने जा रहे हो स्वीट? पता है मैंने क्या पहना है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। वैसे मैंने ये ब्लैक कलर का सूट डाला है, इसके साथ नीचे शरारा है, और ये शॉर्ट कुर्ती है, और इसके साथ ब्लैक ही दुपट्टा है, तो ये आपको पसंद आएगा। दूर से दिखाऊंगी, अभी पास पे ऐसे बैठे हुए तो नहीं दिखाई देगा। वही मालूम पड़ गया। देखो आपके सामने मुझे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे थे अभी? बेवकूफ बोल रहे थे। देखो सारे पति एक जैसे होते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता। आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना, पतियों को उनकी बीवी बेवकूफ़ी लगती हैं। हेलो मामी। हेलो जी। हेलो, कैसे हैं? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आने लेकर आई हूँ आपकी सबकी फेवरेट हमारी प्यारी मामी। आओ, आप प्यारे मामा जी। नमस्ते मामा। हेलो, नमस्ते। आइए आइए जी। आज काफी जाम था रस्ते में मामी, सच्ची में काफी। और आपका फोन आ रहा था ना बार बार, मैं यही सोच रही थी कि मैं लेट हो गई, लेकिन मैं 20 मिनट तो जाम में, तभी मैंने फोन किया। मैंने कहा ये तो काफी देर हो गई, क्यों नहीं आया, इसके मतलब जाम में थे। और यहाँ पे भी जाम था मामी। अच्छा। आज तो मुझे लग रहा है शायद लास्ट सैटरडे संडे है ना, ये भी बात इस वजह से हर जगह जाम का। मामी ने हमें इतना अच्छा स्वीट खिलाई, अभी हमारी फेवरेट है ये वाली स्वीट। मदन की नहीं है ये, शगुन की। ये शगुन की है। हाँ, शगुन की है ये, पर मदन पे भी मिलती है ना। मैंने 2-3 साल पहले ये मदन से, पर अच्छी लगती है, टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। गाजियाबाद में आजकल शगुन बड़ा फेमस है भाई। मामी का लिविंग रूम तो आप लोगों ने बहुत दिन बाद देखा होगा। मामी क्या क्या चेंजेस हुए हैं? बहुत ज्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था चेंज करूंगी। लास्ट ईयर हमें आई नहीं थी ना, तब मैंने दिखा नहीं पाई थी, तो आपके चेंजेस यहाँ नजर आ रहे हैं मेरे को। ये थोड़ा चेंज किया, ये सोफा चेंज किया है। हाँ, और ये पर्दे चेंज किया है। मामा वही है। मामा वही है। वो नहीं चेंज, मैं भी वही हूँ, वो चेंज नहीं किए। और ये कॉर्नर भी, और ये देखिए, हाँ ये वाली इस बार हाथी चेंज हुए हैं। मोर भी चेंज हो गए, भी चेंज हुए। इस बार मोर हाथी सब चेंज कर दिए। मैंने कहा हर साल मामी हमारे घर आती है, इस साल हम चलते हैं मामी के घर। नहीं, हम भी आएंगे। कब आओगे मामी? आ जाएंगे किसी दिन, जल्दी आना, किसी दिन भी जल्दी आ जाएंगे। तो मामी भी मेरी तरह शौकीन है, मतलब बल्कि मैं मामी की तरह शौकीन है। नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए शौकीन है। वाह, अच्छा लगता है दिवाली पे सजाना, है ना? ये बात तो है। और ये क्या बना हुआ है? दही बड़े। अबे बहुत सारी चीजें हैं, ये इतना ही नहीं है। ठीक है, और कहाँ लेके जा रहे हो मामी? विशु के कमरे में भी। विशु भैया तो है नहीं, उनका कमरे,
विशु देख लेगा कि मेरा कमर साफ सुथरा रखा है, साफ सुथरा रखा है कि नहीं रखा है। अपने में कोई खास चेंज नहीं किया? हाँ, क्या चेंज? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, यही सुंदर लग रहा है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि क्या चेंज करो। नहीं, वो इतना पिक्चर कितनी प्यारी लग रही है मामा जी की, बहुत सुंदर। ये है मामा मामी की सनी की शादी की। अरे, सनी भैया की शादी की है ये? सनी भैया पहले हमारी सिल्वर जुबली की लगी हुई थी ना। हाँ। अब सनी की शादी की है। ऊपर चलेंगे अब हम। हमने मामी का भी होम टूर दे दिया आपको। जल्दी जल्दी, मामी को सजाने का बहुत शौक है मेरी तरह ही। ये कॉर्नर भी अच्छा लग रहा है मामी। अच्छा लग रहा है? ये भी प्यारा लग रहा है। ये है सनी भैया का कमरा। ये भी हाँ, ये बस कुशन कवर वगैरह चेंज करें। ये प्यारी लग रही है वाला सेटिंग। ये कहाँ से लिए वाले? वो जो बीच वाले, उसी से उससे लेते हैं ना हम लोग, उससे लिए ये बीच वाले। अच्छे लग रहे हैं वाले पूरा। वो कलर कॉम्बिनेशन आपने एक्वा ब्लू कलर रखा है ना। ये आपने अभी हाल फिलहाल में बनाया है ये वाला? थोड़े दिन हुए। ये हैंगिंग वाले खाली लग रहा था तो मैंने कहा चलो कुछ काम करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये। ये ना आप देखिए तो जीने के नीचे वाला कॉर्नर है, तो इस तरीके से स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे वो बनवा लेते हैं कबर्ड वगैरह, पर मुझे खुला पसंद है। सही बात है, बहुत लोग बना लेते हैं पर मुझे खुला पसंद है। और ये अब किसे ये वाला यहाँ लगा दिया इसका लाके, वहाँ पे मुझे कल काम करना है, कुछ बनाएंगे। हम हमें मामी छत पे ले जा रहे हैं, और मामी ने छत पे जाने के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। ये देखिए। क्यों मामी? और क्या, दिवाली है, दिवाली का तो मजे ऐसे में है। तो खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। पहले खुश खुद खुश खुश रहो। ये है मामी का ऊपर वाला पोर्शन जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं हमेशा इसे बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि सिटिंग वाला अरेंजमेंट है ना, बैठ के बड़ा मजा आता है यहाँ बैठने में। आपके जब फ्रेंड्स आते होंगे तो बैठते होंगे? कहाँ, नीचे ही बैठे रहते हैं सब। अच्छा। हम कहते हैं ऊपर चलो तो ये लगता है अच्छा ऊपर बैठो ना तो नीचे का पता ही नहीं चलता। मामी ये वाले गुजराती वाले हैं? ये गुजराती है। ये देखो वहाँ पे हैबिटेट मॉल है ना। हाँ हाँ, यहाँ से ले। अच्छा, ये भी मिल रहे थे कल। तोता हमारा, ये बहुत पुराना तोता है। ये विशु छोटा था तब इसके पापा बहुत सारे टेडी बियर लाए थे, बहुत सारे। अच्छा। विशु के लिए तो बस सारे टेडी बियर तो बेकार हो गए, ये बच गया तोता। तो पर ये मुझे अच्छा लगता है, ये तोता विशु भैया के आगे जनरेशन में बढ़ाना। या विशु के बच्चे होंगे तब वो तोते से खेलेंगे। अपने पापा के तोते से। ये तो पुरानी है, ये तो मैंने खुद पेंट की हुई है। आपने पेंट करी है? ये लालटेन, ये घड़िया, ये तो करवा चौथ का पेंट किया। ये करवा पता है जब कोविड का टाइम था ना। हाँ। बड़ा टाइम होता था हमारे पास। अच्छा। तब ये लालटेन और ये सारी चीजें पेंट करती रहती थी, क्योंकि कहीं घूमना तो होता नहीं था। हाँ। और जैसे कोविड हटा सारे कलर एक तरफ, घूमना शुरू। बहुत अच्छा करा है। वैसी वाली जो नॉर्मल होती है वैसी है, सिंपल बिल्कुल। और इसे आपने खुद ने पेंट करके बनाया, बहुत अच्छा करा। और ये यहाँ पे घड़ा भी तो आपने किया है ये भी। तो ये मामी आप कहाँ से लाए थे? अरे ये ना एक बार हम बरेली जा रहे थे, शायद तो हवेली पड़ी थी। अच्छा। तो वहाँ मिल रहे थे ये। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से भी उठा लिया। बरेली के पास जो हवेली है वहाँ पे से लाए आप? बरेली के पास नहीं, यहाँ से जाते समय हवेली पे नहीं खाना खाते? हाँ, हम लोग वहाँ पे तो मैं भी खा चुकी हूँ। हाँ, तो वहीं पे मिलते हैं। अच्छा, मैं आगे से पूछूंगी। ये मेरी मामी लेके जा चुकी है आपसे। ये सनी भैया का अगेन कमरा। सब कोई बच्चा रहता नहीं है, सबके अगेन कमरे अगेन कमरे, बच्चे कोई नहीं रहते। आते तो है बीच बीच में, तीन चार महीने रह के गए थे। तीन महीने रह के गए था। अभी विन्नी भी
विन्नी भी तीन तो रह के गए थे वो लोग, तीन महीने रह के गए, विन्नी भी, सनी भी, विशु भी, और अब फिर विशु आ रहा है, पर दिवाली पे नहीं आ पाएंगे ये लोग, दिवाली के बाद आएंगे। कोई बात नहीं, वो तो मिलना, आप भी तो होके आए थे, भी मिलके आए, हम लोग रह के आए बच्चों के पास। कैसा लगा बैंगलोर जाके? बहुत अच्छा, बच्चों के पास तो सही में आने का मन थोड़ी हो रहा था। पर पहली बार टाइम गए थे ना बैंगलोर, पर पहली बार नहीं, नहीं अच्छा। पहले सनी की शादी नहीं हुई थी तब गई थी अच्छा। पर पहली बार अपनी बहू से मिल, मतलब जब बहू है तब उसके पास गई यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, तो है। पर उसके संग रह के बहुत अच्छा लगा हाँ। फिर नहीं मन हो रहा था वहां से आने का। ये होता है, बच्चों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। इधर ये आंगन है पूरा, ये हाँ ये काफी बड़ा आंगन है मामी आपका, और इधर किचन भी है इधर हाँ, लेकिन बना रखा है हाँ, यूज नहीं है ना कोई हाँ। तो इसीलिए नीचे देखिए, नीचे दिख रहा है यहाँ से। घर तो आपका खूब बड़ा है, आप खूब आराम से कितनी भी बार भी बदल सकते हो डेकोरेशन हाँ। करते रहो, पर पता है जितना बड़ा हो उतना मेंटेन करना मुश्किल हो जाए, बहुत ज्यादा बातें करें, बैठे बातें करें आराम से, मामी के हाथ की अच्छी अच्छी डिशेज खाएंगे। ये देखिए मामी ने पूरी डाइनिंग टेबल सजा दी है, क्या क्या बनाया मामी आपने? आओ दिखाओ, दिखाइए। ये तो मूंग की दाल के चीले, आज ना मैंने डिनर मतलब ऐसे सब्जी और रोटी वाला नहीं करा, वो नहीं करा, तो ये तो मैंने बनाया, यम्मी चीजें मिस हो जाती है, दाल के चीले, तो ये मूंग की दाल के चीले तो बहुत यम्मी लग रहे हैं मामी। ये नूडल्स, वाओ, ये पाव भाजी, भाजी पाव, और ये दही बड़े, वाओ मामी, और ये मंचूरियन, इतना सारा सामान मामी आपने कैसे बना लिया? ये खीर, ये खीर की तो मुझे हांडी बहुत पसंद है, और ये मैंने बनाया है स्पेशल हलवा, ये हलवा, और ये स्पेशल है, और ये मेरी एक फ्रेंड है नोएडा है ना, सीमा टंडन, ये उसने सिखाया मुझे, तो सीमा टंडन बहुत तारीफें ले ली तुम्हारी बनाई हुई चीज से, हमने बहुत तारीफें ले ली। ये है छुआरे का हलवा, अरे वाह हाँ। कुछ नया यूनिक सर तो ये मुझे उसने ही सिखाया, तो मैंने दो बार बना चुकी हूँ और दोनों बार खूब तारीफें ले ली मैंने, थैंक यू सीमा। तो बस ये सब चीजें, हेलो बोल दीजिए, हेलो। ये हमारी पिंकी, ये बहुत प्यारी है, ये हमारी नंद है, पर ना मतलब प्यारी सी बेटी भी है। तो ये मौसी है, और ये मौसा जी हैं, और ये मामी हैं, ये मामा जी हैं, मैं सबसे पीछे से, मेरे को तो कोई जानते ही नहीं, इनको तो जानते ही है, ये तो घर की मुर्गी है। अच्छा मैं घर की मुर्गा, मुर्गा घर का, मुर्गा घर का बकरा, तुमने मतलब मेरा वो चेंज कर दिया, जेंडर चेंज कर दिया, पर वो बहुत अच्छा है पता है, घर का बकरा है, प्यारा बच्चा है हमारा। ये लो चिंटू, ये जो चीले है सच में माइंड ब्लोइंग है, मौसा जी कुछ बोल रहे थे कि अलीगढ़ में कहाँ पर फेमस है, राजू चीले वाला है तांगे अड्डे पे, इज वन ऑफ द फेमस चीले वाला, अच्छा उससे बेटर है, उससे बेटर बनाया ना मौसी ने, awesome। राजू को मात दे दी, राजू को मैंने राजू को मात दे दिया, इतने बढ़िया चीले बनाए, बहुत टेस्टी बनाए, सारी चीजें बहुत अच्छी बनी है। अभी तुमने दो चीजें नहीं खाई है, रीमा ने तो आज एक्स्ट्रा ही चार पांच खा लिए, अरे चार पांच मैंने बनाए नहीं थे, चार पांच तो मैंने बनाए नहीं थे। ये छुआरे का हलवा, वाओ, आई मीन मामी आप हर बार डिफरेंट तरीके, पिछली बार आपने सभी, तो मैंने नवाबी सिमई छुआरे का हलवा, छुआरे छुआरे मेरे पे हर किसी ने पूछी थी अपनी मामी से नवाबी सिमई की रेसिपी लेके आना, हर कोई बंदा कमेंट सेक्शन में यही बोल रहा था, ये तो छुआरे और गोले दो चीज की है, बस केवल दो चीजें हैं, और थोड़ा ना बाद में थोड़ा सा प्यार निचोड़ दिया, ये उसकी वजह से ना ये टेस्टी।
ही बनाया है, मतलब आपने अगर वही नहीं आपने अगर आपने छुआरे और गोले का बनाया तो ये नहीं अच्छा बनेगा। जब आप बन जाए गैस बंद कर दो और उसके बाद थोड़ा सा प्यार निचोड़ दो, वो बहुत टेस्टी बनता है, सही है ना, खा के देखो। मैं तो सैंपल में क्यों दिया है और दो अभी तुम्हें खीर भी देंगे, मीठे के शौकीन है मीठे के चीते। तो मामी ने ऐसा खीर भी बनाई है फेवरेट। अरे ये तो दिवाली है तो खीर ना बने तो फिर दिवाली क्या है ना, हांडी स्पेशल खीर। हाँ हांडी स्पेशल खीर है ये, इसमें भी प्यार निचोड़ा है, इसमें भी प्यार निचोड़ा है, इसमें कटोरी से डाला है, इसमें ना आपने जितना जितना आपने दूध डाला है उतना उसका हाफ प्यार है। इसमें दूध ज्यादा है प्यार आधा है तो, पर ये अच्छा क्योंकि और ये प्यार आप निचोड़ते आंखों से हो ना? नहीं नहीं मतलब दिल से। अच्छा आंखों से मैं कैसे प्यार निचोड़ूंगी? नहीं हम तो मैं दिल से निचोड़ते हैं। लेजर एक्सरे ये खा के देखो किस चीज की है। तब यार ये सस्पेंस हमारे संग तुम मत रखा करो, ये भी मामा जी घने नहीं, हम भी तो बड़ी हैवी डाइट है, ब्लॉगर की हम मामी है, आखिर कुछ तो हमें भी आएगा मौसा जी को कि आखिर आखिर तक तुम लोग दिखवाते हो कि बाद तक देखना, बाद तक देखना आपको बाद में बताएंगे, तो इसलिए तुम लोग भी तो आखिर तक हमें दिखवाते हो, हम भी नहीं बताएंगे आखिर में बताएंगे। ये बनी है तो गाइस ये मालूम नहीं है हमको कि ये किस चीज और हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी अपना ब्लॉग दिखाते हैं, शुरू में कोई सस्पेंस रख देंगे और बाद में उसका आंसर देंगे, हम पूरा ब्लॉग देखते हैं, इसलिए पूरी खीर खा लोगे तो हम बताएंगे किस चीज की। दीजिए मौसा जी को दीजिए, और नहीं मैं ले लूंगा भाभी जी, मैं अपने तो अजन्ता कितने घंटों में बनी? तो गाइस यहाँ पे गैस सब लोगों ने कर लिया है कि ये बर्फी की खीर है, चावल की खीर है, मैंने कहा ये सूजी की खीर है। तुम तो अलग ही हो, मैं बिल्कुल अलग बोलता हूँ क्योंकि लेकिन अब मामी अब फाइनली बता दो ना किसकी है, प्यार की खीर है, ये प्यार की खीर है, मैं बता रही हूँ ना हर चीज में आज प्यार पड़ा है तो ये प्यार की खीर है, बहुत ये तब बताया जाएगा जब सब काम हो जाएगा। अरे बता आखिर तक ब्लॉग देखते रहो सारे लोग। सब आखिर तक ब्लॉग देखो और कल का भी देखना, ये कल बताया जाएगा। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। कल था सैटरडे और कल मैं गई थी मामी से मिलने के लिए, मामी को दिवाली देने के लिए, और मामी भी आएंगी, देखो कब आती हैं, दिवाली के बाद या दिवाली से पहले, मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। और आज पता है पापा और जिया जी भी आ रहे हैं, आना तो दीदी को भी था और बच्चों को भी था, लेकिन दीदी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, वो मौसम चेंज हुआ है ना तो थोड़ा सा वो होता नहीं है, कोल्ड वगैरह इस टाइप से हो रहा है उसको, तो वो बोल रही थी कि मेरे को कोल्ड हो रहा है तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मेरा सर में दर्द है इस वजह से। तो पापा और जिया जी आ रहे हैं दिवाली मिलने के लिए, दिवाली देने के लिए। और कशिश के आज अपने अलग प्लान है, कशिश जा रही है आज अपने फ्रेंड्स के साथ नेल एक्सटेंशन कराने, तो एक्चुअली उसका मन था कि मैं दिवाली से पहले मैं नेल एक्सटेंशन कराऊं, और कशिश ना फर्स्ट टाइम करा रही है, मैंने तो ऑलरेडी कराए हुए हैं सनी भैया की शादी में, कल जब मैंने मामी से मिलवाया था आपको पता होगा उनके बेटे का नाम सनी है, तो उनकी शादी में मैंने अपने नेल एक्सटेंशन कराए थे और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और बहुत अच्छा भी लगा, बहुत ही सुंदर लग रहे थे हाथ, करवाऊँगी तो ज़रूर कभी ना कभी फिर, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी ना बहुत सारे काम फैलने वाले हैं, जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी उसके बाद किचन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो होने वाला है, और उस प्रोजेक्ट के चक्कर में भाग दौड़ और मतलब बहुत हौच पौच हो जाएगा, आप समझ सकते हो जब घर में कुछ चीज़ टूटती है और फिर दोबारा बनती है तो कितना सारा घर जो है बिखर जाता है। हालांकि मैं दिवाली पर सजाऊंगी अपना घर और ऐसे ही सजाऊंगी जैसे हर दिवाली पर सजाती हूँ, और सोच रही हूँ आपको दिवाली का टूर भी दे दूँ, लेकिन उसके बाद फिर वो सारा सामान मैं वापस रख दूंगी क्योंकि घर में अभी तहस नहस होने वाली है, आपको पता चली जाएगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। और कशिश अपने नेल एक्सटेंशन कराने जा रही है, मैंने कहा तुम करा लो, तुम्हारा मन भी और फर्स्ट टाइम कराएगी, और इसके साथ इसकी फ्रेंड भी है, इसकी बेस्ट फ्रेंड याना, वो भी नेल एक्सटेंशन कराने वाली है,
लंच भी होगा, आप सोचिए, मतलब ऐसा नहीं है। आप कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप कशिश को यहाँ नहीं ले जाते, वहाँ नहीं ले जाते, बच्चों के ना जब बड़े हो जाते हैं तो उनके अपने अलग चलता है। और कशिश वैसे बहुत जगह मेरे साथ जाती है, कभी कभी तो मफिन की वजह से भी नहीं ले जाते कि मफिन बिल्कुल लोनली फील होगा, कभी कभी उसका खुद का दिल नहीं करता, कभी उसके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाती रहती है। जैसे कि वो आज लंच पे जाएगी और नेल एक्सटेंशन करा के आएगी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि उसके नेल एक्सटेंशन कैसे हुए। कशिश थोड़ी सी वीडियो बना के लाना अपनी। Okay. अपने फ्रेंड्स के साथ लोगों को बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मिलना, है ना? आपको पसंद है ना? अगर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो पापा और जिया जी आए हैं दिवाली देने के लिए, हर साल आते हैं पापा तो, और बच्चे भी आते हैं, दीदी भी आती है, लेकिन दीदी इस बार नहीं आ पाई है, दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, है ना? कोल्ड हो रहा है उसको ना? सही है, तबीयत खराब है, लेकिन थोड़े दिन बाद आएगी फिर जब तबीयत ठीक हो जाएगी, वरना तो मैं तो आऊंगी मिलने आप लोगों से। कशिश इतनी देर में आई है तो कशिश को देख के इतना खुश हो गया। मफिन, मफिन कैसा रहा फ्रेंड के साथ? मफिन कैसा रहा? मफिन तो कहता है नहीं था यार, दीदी याद कर रही थी, कह रही थी मफिन को क्यों नहीं लाए मॉल। हाँ, लिकी लिकी करेगा, मुझे लिकी लिकी करेगा। दिखाओ नेल एक्सटेंशन कैसे हुए। एक मिनट, आप लोगों को डिफरेंस ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बट मेरे नेल्स एक्चुअली काफी शॉर्ट थे, बट ये काफी सही लेंथ के हो गए। तो तुमने नेल आर्ट नहीं कराई थोड़ी बहुत? नहीं, बस मुझे सॉलिड एक कलर ही चाहिए था तो मैंने वही करवा लिया। ग्लिटर वगैरह मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। ग्लिटर नहीं, हल्का सा नेल आर्ट, थोड़ा सा। नहीं, वो नेल आर्ट के अलग ही चार्जेस थे। इसकी कितने में किया है? 1500 में किया। ये भी महंगा ही लगा। ये भी तो महंगा किया है। हाँ, मुझे हम लोग का हमें थोड़ा बाद में लग रहा था कि महंगा है, बट हमने करा लिया। याना ने भी सिंपल प्लेन करा है। हाँ, मैं दिखाती हूँ फोटोज वगैरह, मम्मी इंसर्ट कर देगी। ओवरऑल दिन काफी अच्छा, टाइम वेल स्पेंड था, हमने आराम से मजे किए मैंने और याना ने। तो चलिए गाइज, हम व्लॉग को इसको यहीं पर एंड करते हैं। कशिश के नेल एक्सटेंशन भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और प्लेन ही करवाए हैं मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ चीजें आगे भी होंगी जो जिसमें काम आ जाएंगी। स्पेशल दिवाली का आउटफिट भी है, आपको इस बार का दिवाली आउटफिट जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट है। मैं हर साल कभी भी ऐसा आउटफिट नहीं पहनती। आप गैसेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई मीन डिस्क्रिप्शन में बोल रही हूँ, अपने गैसेस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जब से पता है नेल्स मैंने और याना ने करवाए थे, 1 घंटा लगा था हमें लगाने में। हम लोग क्या हुआ था, मैं इधर बैठी थी, एक्चुअली क्या हुआ, याना और मेरा एक ही साथ अपॉइंटमेंट था, लेकिन बीच में एक लड़की बैठी हुई थी, हम लोग को साइड बाई साइड सीट नहीं मिल पाई। तो क्या हुआ, वो जो लड़की थी जो बैठी हुई थी बीच में, वो लिटरली पीछे थोड़ी बैठ गई थी क्योंकि मैं और याना ऐसे बात कर रहे थे, और वो लड़की भी बहुत स्वीट थी, वो हमसे हेल्प कर रही थी और बात हम भी उसी एंड में वो हमारे साथ ही बात करने लगी थी, इनके बीच में बैठे। बोले ये दोनों लड़कियां बात ही कर रही, मैं भी कर लेती हूँ ज्वाइन। तो मैं बोल रही यानी कि कलर कैसा लगेगा, तो वो लेती मेरे हाथ से, वो उसको दे देती, कहती हाँ ये अच्छा लगेगा, तू बता ये वाला कैसा लगेगा, तो कहती मैं भी तो आप लोगों से, आप बताओ कौन सा अच्छा लगेगा मेरे पे, ये अच्छा लगेगा। फिर तीनों हम सहेलियां बन गई। इतफाक से तूने वही कलर कराया है जो मैंने सनी भैया की शादी में अपने नेल पेंट का कराया था। आपको थोड़ा डिफरेंट था। यही था सेम। यही था। यही कलर था। मैंने नोटिस नहीं किया, मैं थोड़ा पर्पलिश देख रही थी क्योंकि मेरे जो एक्सेंट में पर्पलिश है, बट कोई मुझे एक्चुअल अच्छा सा पर्पल नहीं मिला, तो मैंने सोचा न्यूडी करवा लेती हूँ। ये न्यूडिश पिंक है। यूनिकॉर्न कलर बहुत सुंदर लगते हैं, कभी कराना। यूनिकॉर्न कलर कौन से होते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं, जिसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। हाँ, वो व्हाइट और पर्पल एंड पिंक बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने यही वाले करा ली, मैंने कहा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा नॉर्मल चलती हूँ। वो कह रहे थे कि थोड़ा दर्द होगा 1-2 दिन, क्योंकि आपको पता नहीं चलता किस कितनी उससे उठा सकते हो या कैसे कर सकते हो, तो थोड़ा सा रहता है। तो ज़्यादा उन्होंने इस वजह से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ज़्यादा लंबा नहीं रखते, आपका छोटा ही रखते हैं, तो ये ज़्यादा लंबे नहीं है। हाँ, तेरे मैनेजेबल। मेरे मैनेजेबल है, मेरे इससे थोड़े बड़े थे। हाँ, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। याना ने थोड़े बड़े कराए हैं। याना के थोड़े से डिफरेंट शेप भी है। मैं फोटोज और वीडियोज इंसर्ट कर दूंगी। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं तो पूरे टाइम ऐसे ही करती रहूंगी। बाय बाय।